दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू बहुत सारे रिक्रूटमेंट लेके। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा फ्रेशर के लिए वैकेंसी है सबसे पहले, और ये इंटरव्यू 6/3/2023 को होने वाला है, सुबह 9 बजे से होगा। ये कहाँ पर होगा? गायत्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो उड़ीसा में है कॉलेज, वहाँ पर ये होने वाला है। पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, जिस एड्रेस को आप सामने देख सकते हो। यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो किस किस के लिए हैं, कौन कौन लोग यहाँ पर जो है इस इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं, तो वो दोस्तों ITI फिटर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फार्मासी, BSc केमिस्ट्री और B Pharma M Pharma, ये लोग प्रोडक्शन में इस इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है IPQA के लिए वैकेंसी, जहाँ M Pharma जिसने फार्मास्यूटिकल QA से है वो लोग यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों QC, जहाँ पे MSc केमिस्ट्री, V Pharma M Pharma वाले अटेंड कर सकते हैं। ये इतनी वैकेंसी जो है बद्दी हिमाचल प्रदेश लोकेशन के लिए है। नेक्स्ट बात करूँ API प्रोडक्शन के लिए भी वैकेंसी है, BE BTech केमिकल इंजीनियरिंग, इसकी कोई लोकेशन अभी बताई नहीं गई है, लेकिन ये इंटरव्यू होगा यहीं पर कैंपस। तो आपने अगर फ्रेशर हो तो आप इधर जा सकते हो, आप इसे अटेंड कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं रेगुलर बताता हूँ, जैसे अपना अपडेटेड CV, ऑल जो रिलेटिव एजुकेशन डॉक्यूमेंट हैं, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एक्सपीरियंस है सारे लेके जाने हैं, आपको आधार कार्ड लेटेस्ट फ़ोटो हैं, ये सारे के सारे आपको इधर जो है अपना लेके जाना है। ठीक है, 3 मंथ का पे स्लिप है, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ जो भी इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ट्रेनिंग पीरियड, ये सारी चीज़ें आपको उधर जो है लेके जाना है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 7575001732। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर 8511166509। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर 7574881055। मेल ID भी दी गई है, अगर आप किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुँच पा रहे तो अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हो। मेल ID है COESARIGAM@MACLEODSPHARMA.com। मैं आपको सीधा बता दूं, यहाँ पे आपको फ़ोन करके ही इधर जाना है, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी है। ठीक है, तो कांटेक्ट कर लो और इस तरीके से अप्लाई करते रहो। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी है प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है, इंटर BSc MSc फ्रेशर 20 से 25 ईयर जो एज लिमिट रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर जॉब लोकेशन आपको बता दी गई है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ लिखा गया कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9063117676। मेल ID दी गई जिस पर आपको अपना CV ड्रॉप करना है। मेल ID है HR@DIVISPHARMA.com। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जब फ़ोन करना है ना 9:30 से 5:30 बजे के बीच ही करना। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वैकेंसी मतलब वॉकिंग इंटरव्यू इंडियन निफोन में, वॉकिंग इंटरव्यू होने वाला है 9/11/2023 10 से 1 बजे तक। ये दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है, जिन्होंने BTech कर रखा है, जिन्होंने जो है पॉलिटेक्निक कर रखा है, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है। मेल कैंडिडेट के लिए प्रोडक्शन में वैकेंसी है, एज लिमिट 18 से 25 ईयर है। ये दोस्तों ज्वाइनिंग डेट 13/3/2023। यहाँ पर ट्रेड कौन कौन सी जा सकती हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पास आउट 2020-21-22 के पास आउट चाहिए, यहाँ पर ओनली फ्रेशर्स चाहिए। यहाँ पर आपका MHRD NATS पर रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है तो आप इसे अटेंड कर सकते हो, नहीं है तो आप करके इधर अटेंड कर सकते हो। बात नेक्स्ट करें तो ड्यूरेशन, तो 1 ईयर का ड्यूरेशन रहेगा। यहाँ पे आपको बता दिया गया कि किस तरीके से आपको जो है वेतन मिलेगा। ठीक है, कितना वेतन है तो 11,444। अटेंडेंस बोनस कितना है, 250। शिफ्ट अलाउंस कितना है, 200। टोटल 11,894। इस तरीके से आपको इधर जो है वेतन मिलने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे फैसिलिटी क्या मिलेगी। तो कैंटीन फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड इन ₹10। सूज यूनिफॉर्म विल बी प्रोवाइडेड बाय कंपनी। शिफ्ट वर्किंग
थ्री रोटेशनल शिफ्ट रहेगी 8 आवर, जैसे ए शिफ्ट 6:30 से 2:30, बी शिफ्ट 2:30 से 10:30, सी शिफ्ट 6:30 से सुबह जो है 6:30, इस तरीके से यहाँ पर रहेगी। आप इधर जा रहे हो तो एक चीज़ याद रखना, आपका डिप्लोमा या बीटेक कंप्लीट होने कंडीशन में होना चाहिए। 2021-22 के पास और जा सकते हैं। आपको जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, COVID-19 का जो बॉड दोनों डोज है वो होना चाहिए, बूस्टर इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों अपना आपको CV और कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हाई स्कूल की मार्कशीट, डिप्लोमा की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, प्रोविजनल मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कैंसिल चेक, वर्किंग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बाकी का यहाँ पे आपको बताया गया है कि इंटरव्यू कहाँ होगा, तो वो होने वाला है दोस्तों इंडियन निपोन इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो दोस्तों रेवाड़ी हरियाणा में है, वहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम दिया गया है अमन, कॉन्टैक्ट नंबर 6307454566, मेल आईडी भी दी गई है जिस पे आप अपना CV ड्रॉप कर सकते हो, DHARAMBIRYADAV@INELCO.in। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों GSFC यूनिवर्सिटी बड़ौदरा गुजरात में है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर BBA फाइनेंस बिजनेस एनालिस्ट IT के लिए वैकेंसी है। नेक्स्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी है। मैनेजर डिप्टी मैनेजर इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स के लिए वैकेंसी है। ऑफिसर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट के लिए वैकेंसीज है। बात आती है यहाँ पर कुछ डिटेल्स, क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें वो है आपको दी गई हैं। आपको उसके लिए जाना रहेगा GSFC.unI.edu.in के कैरियर ऑप्शन में जाके आपको जो इजीली मिल जाएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए। मैंने इजीली गूगल पर डाला है GSFC यूनिवर्सिटी, मैंने कुछ नहीं ज़्यादा कुछ नहीं किया, उसके बाद मुझे कुछ इस तरीके का मिल गया है। मुझे और स्क्रॉल डाउन किया तो मुझे यहाँ पर कैरियर ऑप्शन मिल गया है, तो मुझे डायरेक्ट कैरियर ऑप्शन प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने कैरियर ऑप्शन प्रेस किया तो मैंने कुछ इस तरीके का पाया है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सारी इसकी सारी की सारी जो वैकेंसी निकली, असिस्टेंट लाइब्रेरियन। इसे कब तक अप्लाई कर सकते हो आप? 12/3/2023 2/3 से ओपन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो है दिया गया है, यहाँ पे देखो आप देखो सभी में यहाँ पे JD दिया गया है, जॉब डिस्क्रिप्शन, ओपन, ये सारी चीज़ें, अप्लाई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो सभी के लिए। आप देखोगे वही सारी की सारी वैकेंसी हैं और 12/3/2023 कुछ इस तरीके से आप जो है अप्लाई कर सकते हो। टीचिंग असिस्टेंट और भी वैकेंसीज हैं यहाँ पे, और भी आ गई हैं। प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड BTech के लिए भी वैकेंसी आ गई है, और भी है। टीचिंग असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी आ गई है। टीचिंग असिस्टेंट BSc है डेटा साइंस के लिए वैकेंसी आई है, और असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए वैकेंसी आई है, ठीक है। और आप देखोगे असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स BCA BSc डेटा साइंस के लिए वैकेंसी भी आई है। नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डेटा साइंस MSc BSc डेटा, इस तरीके से यहाँ पे HR मार्केटिंग BBA, और यहाँ पे इस तरीके से कई वैकेंसी और आ गई हैं दोस्तों। आप देख रहे होगे एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए वैकेंसी आई है, हाँ लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आई है, यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। ये लेकिन एप्लीकेशन अभी ओपन नहीं हुआ है, आप देखोगे तो 11/2/2023 जो है को ओपन हो गया है, और आप इसे 20/3/2023 तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है कि अप्लाई कैसे करें। मैंने फॉर एग्जांपल कि भाई मेरे को यहाँ इस पोजीशन के लिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे यहाँ क्लिक करना रहेगा। मैं आपके सामने यहाँ क्लिक कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ आ गया, तो यहाँ पर आपको मांगेगा कि न्यू एप्लीकेशन, नया एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेंट है तो नए हैं आप, तो नया आप यहाँ पर कर सकते हो अच्छे तरीके से इसके बारे में पढ़ के, ठीक है। तो जैसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन पहली वाली वैकेंसी है, तो मुझे यहाँ पर करना है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना रहेगा, न्यू पर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ डिटेल डाल देनी है, और इस तरीके से मुझे ये सारी जो है चीज़ें फिल कर देनी है, ठीक है। तो फिल करने के बाद मुझे सबमिट कर देना जो है, स्टेप बाय स्टेप आपको मिलता जाएगा, और आप इसे इजीली जो है एप्लीकेशन को सबमिट कर पाओगे।
लास्ट में बस मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि हम यहाँ जो देख रहे हो टेलीग्राम, ये यहाँ पे हम बहुत सारी वैकेंसी कंटिन्यूस लाते रहते हैं। अगर आपको टाइम टू टाइम सारी वैकेंसी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल और ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन हम तुरंत की तुरंत डालते रहते हैं, तो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ।